दोस्तों, अगर आप चाहते हैं फोन पे बिजनेस टू बैंक ट्रांसफ़र करने के लिए, यानी कि दोस्तों अगर आपके फोन पे मर्चेंट अकाउंट में कुछ पैसे हैं एंड आप चाहते हो दोस्तों उस पैसे को आप अपने बैंक में लेने के लिए, तो दोस्तों आप कैसे कर सकते हैं चलिए हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप लाइक कर दीजिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि फोन पे मर्चेंट अकाउंट में आपके कुछ पैसे हैं एंड आप चाहते हो उसको बैंक पे लेने के लिए, तो आपको दोस्तों क्या करना है, सिंपल आपको फोन पे बिजनेस एप्लीकेशन को आपको ओपन कर लेना होगा। ये दोस्तों जो एप्लीकेशन है, जैसे कि फोन पे बिजनेस एप्लीकेशन, दोस्तों अगर आप इसमें अकाउंट बनाए हैं तभी दोस्तों ये जो पैसा है आपके मर्चेंट अकाउंट में आता है। तो जैसे कि दोस्तों अभी आप देखते हैं, मैं इधर अपना फोन पे बिजनेस एप्लीकेशन को ओपन कर रखा हूँ, आपको भी ओपन कर लेना होगा। जैसे ही आप ओपन करते हैं दोस्तों, आपका जितना भी पैसा होगा वो आपको ऊपर सर में इधर शो करने को देखने को मिल जाता है। अगर आपको इधर देखने को नहीं मिला है तो सिंपल आपको हिस्ट्री पर क्लिक कर देना होगा। देन इस पर क्लिक करने के बाद जो भी ट्रांजेक्शन्स होगा वो सारा ट्रांजेक्शन्स आपको देखने को मिल जाता है। एंड दोस्तों जो भी पैसे आपके बैंक में आ गया होगा वो आपको इसमें देखने को मिलेगा, जैसे कि सेटलमेंट्स। तो अभी आप देख सकते हो इधर आपको एक रुपये आपको ऐसे देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि दोस्तों अभी जो मेरा पैसा है वो अभी सेटल नहीं हुआ है। तो दोस्तों अभी जैसे ही आप इधर ट्रांजेक्शन पर क्लिक कर रहते हैं तो दोस्तों आपका जितना भी अमाउंट होगा, यानी कि जितना भी पैसा आपको इसमें आया होगा, वो इधर आपको देखने को मिल जाता है। अगर आप चाहते हो इसको बैंक में लेने के लिए, तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, आपको सिंपल होम स्क्रीन पर आ जाना होगा। उसके बाद दोस्तों आपको बैंक अकाउंट इस पर क्लिक कर देना होगा। तो आपको दोस्तों क्या करना है, आपको सिंपल इस पर क्लिक कर देना है, जैसे कि बैंक अकाउंट पर। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको ध्यान देना है, जो भी आपका इधर बैंक शो हो रहा है इसी में दोस्तों आपका ये जो पैसा है वो आएगा। एंड दोस्तों अगर आप चाहते हो कोई अदर बैंक है आपके पास, यानी कि अगर आप चाहते हो चेंज करने के लिए एंड आप चाहते हो उसी में आपका पैसा है, तो दोस्तों आप इस चेंज पर क्लिक करके, जैसे कि चेंज बैंक अकाउंट, इस पर क्लिक करके दोस्तों आप उस बैंक को आप इधर से ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आप देखते हैं आपको देखने को मिलता है, जैसे कि ऐड मैनुअली, इस पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं उसके बाद अभी आप देखते हैं आप इधर से मैनुअली आप इधर एंटर कर सकते हैं अकाउंट नंबर। एंड अभी आप देखते हैं री एंटर अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, अकाउंट टाइप, ऐसे करके दोस्तों आप अपने बैंक को आप इधर से वेरीफाई करके आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप चाहते हो मैनुअली अपने बैंक अकाउंट को ऐड नहीं करने के लिए, तो आप इस पर क्लिक कर सकते हो, जैसे कि चॉइस डिपेंड बैंक, इस पर क्लिक करके दोस्तों आपका जो भी बैंक है इधर से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको इधर बैंक देखने को नहीं मिले तो सिंपल आपको सर्च बार में आ जाना है, जो भी आपका बैंक है वो दोस्तों आपको सर्च करके दोस्तों आप इसमें ऐड कर सकते हैं। दोस्तों आप जैसे ही आप इसमें बैंक अकाउंट को ऐड कर लेते हैं उसके बाद सिंपल आपको इधर से आ जाना होगा बैंक। बैंक आने के बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप चाहते हो इस पैसों को आप अपने बैंक में लेने के लिए वो भी दोस्तों तुरंत, तो दोस्तों ऑप्शन रहता है, क्योंकि दोस्तों कोई कोई बैंक में ऐसे भी ऑप्शन रहता है कि इंस्टेंट सेटल ऐसे हो जाता है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप दोस्तों हिस्ट्री पर क्लिक करते हैं तो अभी आप देखते हैं तो आपको ऐसे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, ट्रांजेक्शन्स और सेटलमेंट्स। अगर मैं दोस्तों सेटलमेंट पर क्लिक करता हूँ तो अभी आप देखते हैं आपको देखने को मिलते हैं सेटल नाउ। अगर आपको दोस्तों ये ऑप्शन देखने को मिल रहा है तो सिंपल आपको इस पर क्लिक करके आपको ट्राई करना है। दोस्तों अगर आपका जो अमाउंट है दोस्तों इधर आपको देखने को मिल रहा है, जैसे कि आप देखते हैं अगर सेटल नाउ का ऑप्शन आपको मिल रहा है, तो दोस्तों आप अपने पैसे को आप इधर से इंस्टेंट सेटल कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों इंस्टेंट जो आपका इसमें अमाउंट है, यानी कि पैसा है, वो आपके बैंक में इंस्टेंट आ जाएगा उसी वक्त। दोस्तों अप टू 304 मिनट आपको लगेगा टाइम, एंड उसके बाद जो आपका पैसा है वो दोस्तों आपके बैंक में आ जाएगा इंस्टेंट, अगर आपको दोस्तों इधर सेटल नाउ का ऑप्शन मिल रहा है तब। दोस्तों अगर आपको सेटल नाउ का ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो दोस्तों इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, बस आपको वेट करना है। जैसे कि भी आप देख सकते हो ये जो अमाउंट है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो अभी आप देखते हैं आपको देखने को मिलते हैं कंप्लीट। जैसे कि भी आप देखते हैं पेटीएम से इधर कोई पेमेंट किया है, जैसे कि आपको देखने को मिल जाता है। तो अभी आप देखते हो दिस अमाउंट विल बी सेटल्ड बाय 8 AM टुमारो, यानी कि दोस्तों ये जो पैसा है ये मेरे बैंक में 8 बजे सुबह आ जाएगा। तो वैसे ही दोस्तों आपको भी वेट कर लेना है, जो दोस्तों आपका पैसा है वो दोस्तों सुबह में 8 बजे पैसा आ जाता है। तो आपको क्या करना है, बस आपको वेट कर लेना है। अगर आप चाहते हो बैंक कोई चेंज करने के लिए, कोई दूसरा अकाउंट में अगर आप चाहते हो इस पैसे को आप लेने के लिए, तो आप अपने बैंक भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि होम स्क्रीन पर आकर दोस्तों आप बैंक अकाउंट पर क्लिक करके आप इधर से चेंज भी कर सकते हैं बैंक। दोस्तों अगर आपको सेटल नाउ का ऑप्शन मिल रहा है तो दोस्तों आप बहुत इजी तरीके से, यानी कि इंस्टेंट उसी टाइम दोस्तों जो आपका पैसा है 3 से 4 मिनट में दोस्तों आपके बैंक में आ जाएगा, अगर आपको इंस्टेंट सेटलमेंट का ऑप्शन मिल रहा है तब। अगर आपको नहीं मिल रहा है ऑप्शन तो दोस्तों आपको वेट कर लेना है। दोस्तों जो आपका पैसा है, जो आपका दोस्तों इसमें अमाउंट है, वो दोस्तों आपका सुबह 8 बजे आपके बैंक में क्रेडिट हो जाएगा। सो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। सो आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो के रिलेटेड आपका एनी कोई क्वेश्चन है तो दोस्तों आप मुझे नीचे कॉमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मैं उधर आपको रिप्लाई दे दूंगा। सो दोस्तों आज के लिए बस इतने ही, मिलते हैं किसी से ही नेक्स्ट वीडियो में।